हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टिंग बार। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल। मे गॉडेस लक्ष्मी शावर हर ब्लेसिंग्स ऑन ऑल ऑफ यू फैमिली ऑफ इन्वेस्टिंग बार। सो टुडे वी आर हेयर विद द दिवाली पिक्स ऑफ 2022 एंड हेयर वी आर डिस्कसिंग 4 to 5 स्टॉक्स दैट यू विल होल्ड फॉर वन ईयर टिल नेक्स्ट दिवाली for superb returns and all I choose all stocks on base of stage analysis. So हमारा पहला stock है अतुल ऑटो। ये ऑटो एंसिलरी और ऑटो सेक्टर से मैंने स्टॉक चूज किया है। कुछ दिनों से इसमें बहुत भयंकर वॉल्यूम दिखाई दे रही है और स्टेज एज पर स्टेज एनालिसिस ये इसका स्टेज 4 था, डाउन ट्रेंड था। अब ये स्टेज 1 की एक्यूमुलेशन थी और स्टेज 1 एक्यूमुलेशन में आप देख सकते हो कितनी अच्छी वॉल्यूम एक्यूमुलेशन विजिबल है चार्ट के ऊपर और ये ब्रेकअवे गैप भी दिखाई दे रहा है। देखते हैं अब ये फिल होगा या फिर ये ब्रेकअवे गैप ही रहेगा। और ये जो इसमें कंसोलिडेशन है ऑलमोस्ट 2 साल की कंसोलिडेशन हमें चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है और एक बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ इसने चार्ट का ब्रेकआउट दिया है। वीकली चार्ट पे हम सारे चार्ट्स डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टॉक है हमारा अतुल ऑटो और करंट प्राइस इसका 262 चल रहा है। आप इसे चंक्स में बाय करना शुरू करो और इसे होल्ड करो विद स्टॉप लॉस ऑफ 153। 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है बट बहुत ही सेफ स्टॉप लॉस है। मुझे नहीं लगता ये स्टॉप लॉस का भी हिट होगा। तो 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस किसी के लिए ज़्यादा हो जाएगा। इनफैक्ट सबके लिए ज़्यादा हो जाएगा, सब सोचेंगे इतना बड़ा स्टॉप लॉस। तो फिलहाल के लिए आप 180 को कंसिडर कर सकते हो। 180 इज़ अ स्टॉप लॉस फॉर दिस अतुल ऑटो एंड यू कैन बाय दिस स्टॉक फॉर 1 ईयर टिल नेक्स्ट ईयर दिवाली and we will see what returns Atul Auto will give to us. So our next stock is Universal Cables. Universal Cables को मैंने shortlist करा था, पहले भी से shortlist करा था, आप देख सकते हैं already mark कर रखा है मैंने इसके ऊपर। तो ये यहाँ से बहुत अच्छा इसने run दिया, बहुत अच्छी volumes के साथ इसने run दिया। अब ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई जो है 351 का इसे हिट करने का जरूर ट्राई करेगा। अगर इसने अपने ऑल टाइम 52 वीक लो से 127 से ऑलमोस्ट डबल हो गया है स्टॉक, तो ये जो स्टॉक 52 वीक से डबल होता है दैट स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू हिट इट ऑल टाइम हाई और ये अपने ऑल टाइम हाई से भी ऊपर जाने की कैपेबिलिटी रखता है। फंडामेंटल वाइज कंपनी स्ट्रांग हो रही है धीरे धीरे और ये इसका डाउन ट्रेंड था, ये इसका एक्युमुलेशन फेज है, स्टेज 1 है और ये स्टेज 2 की इसकी स्टार्टिंग है और वॉल्यूम ब्लास्ट के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ फिर उसके बाद गया। तो ये स्टॉक थोड़ा नीचे भी आ सकता है अराउंड 200 इस वाले लेवल पे अपने वापस। तो इसे 215 के आसपास इसे बाय करें, 215 पे इसे बाय करें, 200 का स्टॉप लॉस लेके, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, थोड़ा नीचे भी जा सकते हैं 180 तक। और ये सारे पोजिशनल मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा दूसरा सिलेक्शन हो गया यूनिवर्सल केबल्स और इसे आप 50% रिटर्न्स के लिए और 100% रिटर्न्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। वॉल्यूम्स बहुत अच्छी चार्ट पे दिखाई दे रही है। सो सेकंड स्टॉक इज़ यूनिवर्सल केबल्स। कमिंग टूवर्ड्स आर थर्ड स्टॉक विच इज़ ITD सीमेंटेशन। मैंने स्टॉक पहले भी दिया है और अपना ट्विटर पे भी मैंने इसे दिया, इंस्टाग्राम पे भी इसे दिया था। जब ये स्टॉक अराउंड 100 के आसपास था मैंने इसे 100 पे ही दिया था 15-20% गेन्स के लिए 1 महीने में और ये आप देख सकते हैं आज 124 पे 24% रिटर्न इसने दे दिया 82 के SL के साथ। और ये परफेक्ट एग्जांपल है स्टेज एनालिसिस का। ये देखो इसकी स्टेज 4 था, ये डाउन ट्रेंड था, फिर ये इसका स्टेज 1 था एक्यूमुलेशन का, स्टेज 1 में वॉल्यूम्स देख सकते हो आप, और फिर ये स्टेज 1 के बाद ये स्टेज 2 की स्टार्टिंग है। ये स्टॉक 215 जाएगा आने वाले 1 साल के अंदर अंदर, अभी 124 है। आप इसे करंट प्राइस पे बाय करें और 150 फिर 200-225 का इसका टारगेट रखें। ITD सीमेंटेशन बहुत अच्छी कंपनी है, सीमेंट सेक्टर बूम पे भी है, टेलविंड्स हेल्प करेगी सेक्टर की। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है विनाइल इंडिया। विनाइल इंडिया की भी बहुत चर्चे थे स्टॉक के कि एक डार्वस बॉक्स बना था, इस बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ था और ये बहुत मैसिव ब्रेकआउट हुआ था। 300 रुपये में ब्रेकआउट होके स्टॉक 944 रुपये गया था, तो बहुत ही मैसिव ब्रेकआउट था। और ये स्टॉक जो है ब्लू स्काई जोन में है इस टाइम, जहाँ हमें नहीं पता कि रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसे ब्लू स्काई जोन बोलते हैं। और ये ब्लास्ट के बाद अब ये स्टॉक वापस करेक्ट कर रहा है, बट आप वॉल्यूम्स देखिए, जो सेलिंग वॉल्यूम है, सेलिंग एब्जॉर्प्शन है, बिल्कुल ही नल
सेलिंग एब्जॉर्प्शन बोलेंगे एज पर बाइंग ऑफ दिस स्टॉक. सो आप ये स्टॉक को कंसिडर करिए, विनाइल इंडिया को, विनाइल केमिकल्स को. इसे आप करंट प्राइस पे बाय करिए, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में बाय करिए. अगर ये नीचे भी आते हैं इसे बेचने की कोई जरूरत नहीं है. इसका स्टॉप लॉस है 223 222. स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, मैं जानता हूँ स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, बट कंपनी भी बहुत बढ़िया है. जिस तरह से इसने मूव दिया था, ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी आने वाले टाइम पे. आप इस पे फिबो लगा के आप इसे बाय कर सकते हैं. फिबोनाची लगा के आप फिबोनाची लगा के देख सकते हैं कहाँ तक आ सकती है कंपनी, अभी कहाँ पे स्टैंड करती है. तो आप थोड़ा सा इस पे मैं आपके लगा देता हूँ फिबो. ये इसका हाई टाइम हो गया ये, तो इसका मतलब ये बिल्कुल अपने बाइंग जोन पे. आप इसे बाय करें 500 पे, 520 520 540 के बीच में से बाय करें, और यहाँ से वापस रिवर्सल आएगा. इसमें एक छोटा सा 700 के पे वापस जाने की कोशिश करेगा. तो अगर इतना भी चला गया तभी आपको 20-30% बन जाएंगे. 20-30% FD में 5 साल में मिलते हैं, 4 साल में अगर 5-6% से कंसिडर करें तो 30%. तो ये स्टॉक डेफिनेटली आपको दे देगा. 538 का चल रहा है, आप इसे बाय करें. हमारा स्टॉक हो गया विनाइल इंडिया. चौथा स्टॉक है विनाइल इंडिया या विनाइल केमिकल्स. हमारा पांचवा स्टॉक है एल्कली मेटल्स. ये हमारा लास्ट पिक है इस दिवाली के लिए, और ये स्टेज एनालिसिस को भी परफेक्टली फुलफिल करता है. ये इसका स्टेज 4 था, डाउन ट्रेंड था. फिर ये इसका स्टेज 1 था, एक्यूमुलेशन था इसमें थोड़ा थोड़ा. और ये अब आप देख सकते हो इसने अपना ये स्टेज यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं अपन, और यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं. ऑलमोस्ट ब्रेकआउट जोन पे है. ब्रेकआउट जोन पे आप वॉल्यूम देखो कितनी बढ़िया वॉल्यूम है. कंपनी फंडामेंटल वाइज बहुत स्ट्रांग है. इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनने जा रहा है आने वाले टाइम में. आने वाले 10 साल में मैन्युफैक्चरिंग का ही बोलबाला हो गया, और ये सेकंड लिबरलाइजेशन 2.0 दिखाई देगा आपको इंडिया के अंदर. सो हमारा पांचवा स्टॉक है एल्कली मेटल्स. इसे आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय करें, 72 का SL लगा के 72 का SL कंसिडर करें. SL सबके बड़े हैं क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड्स मैं बता रहा हूँ, ये स्विंग ट्रेड नहीं है. आप इसे आप कन्विक्शन के साथ होल्ड कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए, 300 के लिए, 400 के लिए. और अभी 131 है, जब ये चला जाएगा तब आपको लगेगा कि ओ मैंने नहीं लिया, मुझे ले लेना चाहिए था. एटलीस्ट मैंने आज आपको 5 स्टॉक बताए, आप 5 में से 2 या 3 पे तो अपने लक को जरूर ट्राई करें. बहुत अच्छी कंपनीज है. एक कंपनी और है बट फंडामेंटली वाइज अभी उसका ROE और ROCE बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रांग हो सकता है जिस तरह से वो कंपनी दिखाई दे रही है. मैं नाम बता देता हूँ, चार्ट में हम डिस्कस नहीं करेंगे. HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर. जब भी टाटा पावर पावर सेगमेंट चलेगा तो HPL इलेक्ट्रिक जरूर चलेगी. अभी हमारा पांचवा स्टॉक हो गया एल्कली मेटल. मैंने आपके साथ 5 स्टॉक शेयर करे, तो इन 5ों को जरूर देखें. चौथा है HPL इलेक्ट्रिक. तो ये हमारा दिवाली पिक है, दिवाली पिक्स 2022 फ्रॉम इन्वेस्टिंग बार. दिस इज वैभव मित्तल. वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल. And please share this video with your family, friends and trading friends and investors so that maximum person can reach for this Diwali picks. And share this video on your social media communities and help me to grow. Thank you guys. Thank you so much.